अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा रियलिटी पे बनाया गया, जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है घरानों में, इसी हवाले से ड्रामा से वहम बनाया गया। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जो है वो इस राज से पर्दा उठाना चाह रहे हैं कि आखिर इशल के वालिद का और उस रुखसाना बेगम यानी जुनेद की वालदा का क्या ताल्लुक है। इशल के वालिद का और जुनेद की वालदा का आखिर में क्या ताल्लुक है, इस बारे में खोज में लगी हुई है। इशल को पता नहीं चल रहा क्योंकि इशल के वालिद जो है वो असलियत को छुपाना चाह रहे हैं। माजी में जो कुछ भी हो गया यानी रुखसाना बेगम और इशल के वालिद के जो ताल्लुकात थे, उनकी मोहब्बत की दास्तानें थी, वो इशल के वालिद बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे अपनी बेटी को। वो यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जान के मेरी बेटी जो है मुझसे नफरत करने लग जाएगी, इसलिए वो टेंशन में आ गए और अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, अपनी बेटी की गलतफहमी को दूर करते हैं। लेकिन रुखसाना बेगम वो कुछ ना कुछ ऐसा जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका है, वो हाल में अपने आने वाली नई नस्ल के साथ ही सब कुछ कर रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं। उनको इस तरह से चक्रों में करके उनके साथ ये सब कुछ बदला लेके, यानी इशल परेशान हो जाती है, अपने वालिद को फ़ोन करते हैं, उनसे यही कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुजरिम नहीं हैं, जुनेद की वालदा के यानी तयमी के मुजरिम नहीं, तो फिर वो इंतकाम उससे क्यों ले रही हैं बाबा। ये बात सुन के इशल के वालिद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए, बड़ी क्रिटिकल कशमकश हो गई, इनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे वो इशल को इसी घर में रख के रुखसाना बेगम पर जलील करवाएंगी, अपने बेटे से बेटे की नज़रों में गिराएंगी। इशल जो है वो दूर तक गिलास लेके जाती है अपनी भाभी, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, जो कि रुखसाना बेगम बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अब हो चुका है बेबी, यानी फरीद की जो है वो बेबी प्यारा सा होने वाला है। जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगे इशल से कि इशल तुम दूध का गिलास इसलिए लेके जा रही हो ना क्योंकि तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो, शायद मैंने कोई जूस मिला दिया या फिर दूध में मैं कुछ मिला दूंगी जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सके उसको, यानी सायरा को नुकसान पहुंच सके। या वो इशल को सबकी नज़रों में नीचे गिराने के लिए उस दूध के गिलास लेके जाएंगी और वो जाहिर करवाएगी इसमें जैसे कुछ मिला हुआ है, और वो यही कहेंगी इशल से कि इशल सब लोगों के सामने तुम्हें बस यही कहना है कि इसको नहीं पीना भाभी, आपने अम्मी ने कुछ इसमें मिलाया है ताई जान ने, यानी इशल से ये सबको समझ रही कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा, वो सब लोगों के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे और वो यही कह देगी इशल के भाभी गिलास मत पीजिएगा दूध का, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। लेकिन सब लोगों के सामने, सब लोगों की नज़रों के सामने इशल को गिराने के लिए इशल की बात, यानी इशल की जो ताई अम्मी है वो यही कहेंगी, इशल की ताई अम्मी कहेंगी कि लो मैं पीती हूँ इस दूध के गिलास को, जब वो पियेंगे इस दूध के गिलास को सब लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जुनेद वहाँ से उठ के चला जाएगा, सबकी नज़रों में इशल की अहमियत खो चुकी है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है ताकि सब लोग उसको वहमी समझें, जैसे कि रुखसाना बेगम ने अपनी सास को बना दिया है, सब लोग इशल पर शक करने लग जाएंगे और इशल की कोई बात को कभी भी कोई मानेगा ही नहीं, उसकी बातें कोई अहमियत ही नहीं होगी, चाह रही थी रुखसाना बेगम। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमत रेगा इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा रियलिटी पे बनाया गया, जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है घरानों में, इसी हवाले से ड्रामा से वहम बनाया गया। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जो है वो इस राज से पर्दा उठाना चाह रही है कि आखिर इशल के वालिद का और उस रुखसाना बेगम यानी जुनेद की वालदा का क्या ताल्लुक है। इशल के वालिद का और जुनेद की वालदा का आखिर में क्या ताल्लुक है, इस बारे में खोज में लगी हुई है। इशल को पता नहीं चल रहा क्योंकि इशल के वालिद जो है वो असलियत को छुपाना चाह रहे हैं। माजी में जो कुछ भी हो गया यानी रुखसाना बेगम और इशल के वालिद के जो ताल्लुकात थे, उनकी मोहब्बत की दास्तानें थी, वो इशल के वालिद बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे अपनी बेटी को। वो यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जान के मेरी बेटी जो है मुझसे नफरत करने लग जाएगी, इसलिए वो टेंशन में आ गए और अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था,
अपनी बेटी की गलतफहमी को दूर करते हैं, लेकिन रुखसाना बेगम वो कुछ ना कुछ ऐसा जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका है वो हाल में अपने आने वाली नई नस्ल के साथ ही सब कुछ कर रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं। उनको इस तरह से चक्रों में करके उनके साथ ये सब कुछ बदला लेके, यानी इशल परेशान हो जाती है, अपने वालिद को फ़ोन करते हैं, उनसे यही कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुजरिम नहीं हैं, जुनेद की वालदा के ये तयमी के मुजरिम नहीं, तो फिर वो इंतकाम उससे क्यों ले रही हैं बाबा। ये बात सुन के इशल के वालिद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए, बड़ी क्रिटिकल कश्मकश हो गई, इनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे वो इशल को इसी घर में रख के रुखसाना बेगम पर जलील करवाएंगी, अपने बेटे से बेटे की नज़रों में गिराएंगी। इशल जो है वो दूर तक गिलास लेके जाती है अपनी भाभी के, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, जो कि रुखसाना बेगम बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अब हो चुका है बेबी, यानी फरीद की जो है वो बेबी प्यारा सा होने वाला है, जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगे इशल से कि इशल तुम दूध गिलास इसलिए लेके जा रही हो ना क्योंकि तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो, शायद मैंने कोई जूस मिला दिया या फिर दूध में मैं कुछ मिला दूंगी जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सके उसको, यानी सायरा को नुकसान पहुंच सके, या वो इशर को सबकी नज़रों में नीचे गिराने के लिए उस दूध के ग्लास लेके जाएंगी और वो जाहिर करवाएगी इसमें ऐसे कुछ मिला हुआ है, और वो यही कहेंगी इशर से कि इशर सब लोगों के सामने तुम्हें बस यही कहना है कि इसको नहीं पीना भाभी आपने, अम्मी ने कुछ इसमें मिलाया है ताई जान ने, यानी इशर से ये सबको समझ रही कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा, वो सब लोगों के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे और वो यही कह देगी इशर के भाभी ग्लास मत पीजिएगा दूध का, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, लेकिन सब लोगों के सामने सब लोगों की नज़रों के सामने ईशर को गिराने के लिए ईशर की बात, यानी ईशर की जो ताई अम्मी है वो यही कहेंगी, ईशर की ताई अम्मी कहेंगी कि लो मैं पीती हूँ इस दूध के गिलास को, जब वो पियेंगे इस दूध के गिलास को सब लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जुनेद वहाँ से उठ के चला जाएगा, सबकी नज़रों में ईशर की अहमियत खो चुकी है, ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है ताकि सब लोग उसको वहमी समझे, जैसे कि रुखसाना बेगम ने अपनी सास को बना दिया है, सब लोग ईशर पर शक करने लग जाएंगे और ईशर की कोई बात को कभी भी कोई मानेगा ही नहीं, उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं होगी, चाह रही थी रुखसाना बेगम। आपको ड्रामा से वहम नासन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा रियलिटी पे बनाया गया, जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है घरानों में इस हवाले से ड्रामा से वहम बनाया गया, इसकी नेक्स्ट एपिसोड 2 से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जो है वो इस राज से पर्दा उठाना चाह रही है कि आखिर इशल के वालिद का और उस रुखसाना बेगम यानी जुनेद की वालदा का क्या ताल्लुक है, इशल के वालिद का और जुनेद की वालदा का आखिर में क्या ताल्लुक है, इस बारे में खोज में लगी हुई है। इशल को पता नहीं चल रहा क्योंकि इशल के वालिद जो है वो असलियत को छुपाना चाह रहे हैं, माजी में जो कुछ भी हो गया यानी रुखसाना बेगम और इशल के वालिद के जो ताल्लुकात थे, उनकी मोहब्बत की दास्तानें थी, वो इशल के वालिद बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे अपनी बेटी को, वो यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जान के मेरी बेटी जो है मुझसे नफरत करने लग जाएगी, इसलिए वो टेंशन में आ गए और अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, अपनी बेटी की गलतफहमी को दूर करते हैं, लेकिन रुखसाना बेगम वो कुछ ना कुछ ऐसा जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका है वो हाल में अपने आने वाली नई नस्ल के साथ ही सब कुछ कर रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं, उनको इस तरह से चक्रों में करके उनके साथ ये सब कुछ बदला लेके, यानी इशल परेशान हो जाती है, अपने वालिद को फ़ोन करते हैं, उनसे यही कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुजरिम नहीं हैं, जुनेद की वालदा के ये तयमी के मुजरिम नहीं, तो फिर वो इंतकाम उससे क्यों ले रही हैं बाबा। ये बात सुन के इशल के वालिद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए, बड़ी क्रिटिकल कश्मकश हो गई, इनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे वो इशल को इसी घर में रख के रुखसाना बेगम पर जलील करवाएंगी, अपने बेटे से बेटे की नज़रों में गिराएंगी। इशल जो है वो दूर तक गिलास लेके जाती है अपनी भाभी के, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, जो कि रुखसाना बेगम बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अब हो चुका है बेबी, यानी फरीद की जो है वो बेबी प्यारा सा होने वाला है, जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगे इशल से कि इशल तुम दूध गिलास इसलिए लेके जा रही हो ना क्योंकि तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो, शायद मैंने कोई जूस मिला दिया या फिर दूध में मैं कुछ मिला दूंगी जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सके उसको, यानी सायरा को नुकसान पहुंच सके, या वो इशर को सबकी नज़रों में नीचे गिराने के लिए उस दूध के ग्लास लेके जाएंगी और वो जाहिर करवाएगी इसमें ऐसे कुछ मिला हुआ है, और वो यही कहेंगी इशर से कि इशर सब लोगों के सामने तुम्हें बस यही कहना है कि इसको नहीं पीना भाभी आपने,
अम्मी ने कुछ इसमें मिलाया है ताईजान ने, यानी ईशा से ये सबको समझ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा। वो सब लोगों के सामने डाइनिंग टेबल पे बैठे होंगे और वो यही कह देगी ईशा के भाभी एक गिलास मत पीजिएगा दूध का, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। लेकिन सब लोगों के सामने, सब लोगों की नज़रों के सामने ईशा को गिराने के लिए ईशा की आवाज, यानी ईश्वर की ताई अम्मी वो यही कहेंगी, ईश्वर की ताई अम्मी कहेंगी कि लो मैं पीती हूँ इस दूसरे गिलास को। जब वो पियेंगे इस दूसरे गिलास को सब लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जुनैद वहाँ से उठ के चला जाएगा। सबकी नज़रों में ईश्वर की अहमियत खो चुकी है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है ताकि सब लोग उसको वहमी समझे, जैसे कि रुखसाना बेगम ने अपनी सास को बना दिया है। सब लोग ईश्वर पर शक करने लग जाएंगे और ईश्वर की कोई बात को कभी भी कोई मानेगा ही नहीं, उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं होगी। चाह रही थी रुखसाना बेगम, आपको ड्रामा से वहम नासन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमत रेखा इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। असलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा रियलिटी पे बनाया गया, जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है घरानों में, इसी हवाले से ड्रामा से वहम बनाया गया। इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी इससे भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल जो है वो इस राज से पर्दा उठाना चाह रही है कि आखिर ईशल के वालिद का और उस रुखसाना बेगम यानी जुनेद की वालदा का क्या ताल्लुक है। ईशल के वालिद का और जुनेद की वालदा का आखिर में क्या ताल्लुक है, इस बारे में खोज में लगी हुई है। ईशल को पता नहीं चल रहा क्योंकि ईशल के वालिद जो है वो असलियत को छुपाना चाह रहे हैं। माजी में जो कुछ भी हो गया, यानी रुखसाना बेगम और ईशल के वालिद के जो ताल्लुकात थे, उनकी मोहब्बत की दास्तानें थी, वो ईशल के वालिद बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे अपनी बेटी को। वो यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जान के मेरी बेटी जो है मुझसे नफरत करने लग जाएगी, इसलिए वो टेंशन में आ गए और अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, अपनी बेटी की गलत फहमी को दूर करते हैं। लेकिन रुखसाना बेगम वो कुछ ना कुछ ऐसा जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका है, वो हाल में अपने आने वाली नई नस्ल के साथ ही सब कुछ कर रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं। उनको इस तरह से चक्रों में करके उनके साथ ये सब कुछ बदला लेके, यानी ईशल परेशान हो जाती है, अपने वालिद को फ़ोन करते उनसे यही कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुजरिम नहीं हैं, जिन्हें इनकी वालदा के यानी तयमी के मुजरिम नहीं, तो फिर वो इंतकाम उससे क्यों ले रही हैं बाबा। ये बात सुन के ईशल के वालिद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए, बड़ी क्रिटिकल कशमकश हो गई इनकी, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे वो ईशल को इसी घर में रख के रुखसाना बेगम पर जलील करवाएंगी, अपने बेटे से बेटे की नज़रों में गिराएंगी। ईशल जो है वो दूध का गिलास लेके जाती है अपनी भाभी के, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, जो कि रुखसाना बेगम बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अब हो चुका है बेबी, यानी फरीद की जो है वो बेबी प्यारा सा होने वाला है। जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगे ईशल से कि ईशल तुम दूध का गिलास इसलिए लेके जा रही हो ना क्योंकि तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो, शायद मैंने कोई जूस मिला दिया या फिर दूध में मैं कुछ मिला दूंगी जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सके उसको, यानी सायरा को नुकसान पहुंच सके। या वो ईशा को सबकी नज़रों में नीचे गिराने के लिए उस दूध के गिलास लेके जाएंगे और वो जाहिर करवाएगी इसमें जैसे कुछ मिला हुआ है, और वो यही कहेंगे ईशा से कि ईशा सब लोगों के सामने तुम्हें बस यही कहना है कि इसको नहीं पीना भाभी आपने, अम्मी ने कुछ इसमें मिलाया है ताईजान ने, यानी ईशा से ये सबको समझ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा। वो सब लोगों के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे और वो यही कह देगी ईशा के भाभी एक गिलास मत पीजिएगा दूध का, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। लेकिन सब लोगों के सामने, सब लोगों की नज़रों के सामने ईश्वर को गिराने के लिए ईश्वर की आवाज, यानी ईश्वर की ताई अम्मी वो यही कहेंगी, ईश्वर की ताई अम्मी कहेंगी कि लो मैं पीती हूँ इस दूसरे गिलास को। जब वो पियेंगे इस दूसरे गिलास को सब लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जुनैद वहाँ से उठ के चला जाएगा। सबकी नज़रों में ईश्वर की अहमियत खो चुकी है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है ताकि सब लोग उसको वहमी समझे, जैसे कि रुखसाना बेगम ने अपनी सास को बना दिया है। सब लोग ईश्वर पर शक करने लग जाएंगे और ईश्वर की कोई बात को कभी भी कोई मानेगा ही नहीं, उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं होगी। चाह रही थी रुखसाना बेगम, आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमत रेखा इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।